चलो बच्चों, इस वाले आर्टिकल में हम समझते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक खास एंगल होता है जिस पे कोई भी ब्लॉक नीचे स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले अब एनिमेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ एक ये एंगल अगर बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, तो ये खास एंगल थीटा पे ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा। उस स्पेशल एंगल पे जिस पे ये ब्लॉक नीचे आने लगे, उस स्पेशल एंगल को ही एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। याद रखना कि इस पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये तो हर एक एंगल पे नीचे आने लगेगा यार, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही नीचे आएगा। अगर ये एंगल मान लो कुछ थीटा है, तो थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज को, इस थीटा को हम फाई बोलते हैं, वह अगर एंगल इंक्लिनेशन का एंगल थीटा लेस देन है फाई, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा यार, समझना। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन है फाई, तब तो ब्लॉक आएगा ही लाएगा। लेकिन थीटा की वैल्यू अगर फाई है, तो उस स्पेशल एंगल पे ब्लॉक वर्ज ऑफ मोशन पर है। और फ्रिक्शन, इस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा ने लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर लिया है। और उस स्पेशल केस को, उस स्पेशल एंगल को जिसपे इक्विलिब्रियम में है और वर्ज ऑफ मोशन पे है, चलने वाला है, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो आप एंगल ऑफ रिपोज बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। फ्रिक्शन लिमिटिंग इस टाइम लग रहा है और वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम जी नीचे लग रही थी और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट नॉर्मल इधर आएगा और एम जी साइन थीटा इधर आएगा। तो यार फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन के इक्वल हो जाएगी, दैट इज एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो, तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा और एम जी कॉस थीटा दैट इज एम जी साइन थीटा। तो म्यू इज इक्वल टू दैट इज टेन थीटा, और इस थीटा को एक स्पेशल फाई से लिख देते हैं। तो इस स्पेशल एंगल पे जिस पे ब्लॉक नीचे आने लगता है, वर्ज ऑफ मोशन पर है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ये रिजोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया ना? ऐसे सबको पता है कि अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो ये एम जी इधर लगती है वर्टिकली, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होता है, ये थीटा ये भी थीटा, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा इधर आता है और एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा इधर आता है और नॉर्मल ऊपर आता है। और इस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक लग रहा है, क्लियर है? तो ये हम इक्विलिब्रियम मान के डिराइव किए हैं। तो उससे पहले भी फ्रिक्शन लगेगा, पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बोलो? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर थीटा लेस देन फाई है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और थीटा इक्वल टू फाई है, एंगल ऑफ रिपोज इंक्लिनेशन के इक्वल है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर इस केस में देखोगे थीटा ग्रेटर देन फाई है, तो काइनेटिक, इसके बाद तो ब्लॉक चलने लगेगा, समझो थोड़ा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको समझ सकते हो आप, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप मतलब देख के कैलकुलेट कर सकते, बता सकते हो कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या चीज होता है। अगर थीटा लेस देन है फाई है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अगर थीटा इक्वल टू फाई है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है, और नेचर ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग है। लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन एंगल ऑफ रिपोज है, देन द ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा और फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा। मतलब आप जस्ट कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब थीटा की वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेन इनवर्स के इक्वल है, टेन इनवर्स म्यू के इक्वल है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू, अगर फाई की वैल्यू देख रहे हो टेन इनवर्स म्यू, तो फाई की वैल्यू है टेन इनवर्स के इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम में होगा, उससे कम है तो नहीं चलेगा, रेस्ट में होगा, और उससे ज़्यादा है तो चल रहा होगा। तो ये